पावर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी करते हैं ना पहले, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, पावर इलीट, प्रेशर ग्रुप्स, ब्यूरोक्रेसी, पार्टीज, नेशन स्टेट, सिटीज, डेमोक्रेसी, सिविल आइडियोलॉजी, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन। ये कर ले पहले, बोले। हाँ करना तो सारा ही है। बोले तो हम बात करेंगे क्या होती हैं पावर, थ्योरीज ऑफ पावर पहले कर लेते हैं हम। वैसे तो हम कर भी चुके हैं ये थोड़ा बहुत तो। हाँ भाई हम कर चुके हैं ना, नहीं कर चुके हैं? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर तो हम कर चुके हैं। बताइए, पावर एंड अथॉरिटी तो हमने किया ही है। अरे कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी, आइडियल टाइप्स नहीं किए हैं वेबर के, तो उससे कवर हो रहा है वो, तो यही कर लें पहले। बोलिए 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 जनता। यस तो दीजिए हेडिंग फिर, पावर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। द चैप्टर डील्स द टॉपिक डील्स विद, ये टॉपिक डील किससे करता है? नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पावर। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पावर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यानी राजनीतिक समाजवाद। समाजशास्त्र क्या है अपने आप में? स्टडी ऑफ पावर ही है। दैट इज वाई, इसीलिए डाउज एंड ह्यूजेस स्टेट कौन कहते हैं? डाउज, DOWES एंड ह्यूजेस, हिंदी में हो जाएगा है बड़े ऊ की मात्रा और जय, जय के नीचे बिंदी, डाउज एंड ह्यूजेस स्टेट दैट पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। पॉलिटिक्स जो है वो पावर के बारे में, ये तो सभी को पता है। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर एंड पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर कॉमा, पॉलिटिक्स अकर्स व्हेन देयर आर डिफरेंशियल्स इन पावर। पॉलिटिक्स अकर व्हेन देयर आर डिफरेंशियल्स इन पावर।
दैट मीन्स एनी सोशल रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व पावर डिफरेंशियल्स इज पॉलिटिकल. एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप जिसमें पावर डिफरेंशियल है, जिसमें जो है पावर यानी ताकत यानी शक्ति का जो है समान रूप नहीं है, तो वो क्या है? पॉलिटिकल है. इट इज पॉलिटिकल. यानी यदि माँ बाप नहीं चाहते बच्चे की शादी कहीं हो और कहीं ना हो, तो वो भी क्या है? पावर. स्कूल में अगर टीचर डिसिप्लिन दे रहा है तो वो भी क्या है? पावर. अगर मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे ही होगा और मेरी मर्जी से होगा और आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी क्या है? पावर. अगर उसे सरस्वती कितनी भी बगावत करे लेकिन उसे करना ही पड़ेगा, तो वो भी क्या है? पावर. यानी जिसकी सुनी जाएगी वही पावर है, जिसकी नहीं सुनी जाएगी शक्ति नहीं है. यानी हर जगह है पावर, हर काम में है पावर. द वे, इसीलिए हर कोई क्या चाहता है? बनना पावरफुल. आप सब भी क्या चाहते हैं? बनना पावरफुल. तो ठीक है ना किरण जी, फिर आप माइंड मैप बना दीजिए सबके शुरू से. यस सर. कैसे बनाएंगे आप? सर जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी डेफिनेशंस और मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर्स को शुरू किया है, वहां से शुरू करके. नहीं, कैसे मतलब कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या बात है. सर्कल्स और एरोज, दैट वुड बी लाइक यूजिंग लेस नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इट शुड बी. तब तो आपको सारा काम हो जाएगा. ऐसे हमें भी दिखा देना. हाँ हाँ दिखाएंगे सर. कैन वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप इन विच वी कैन शेयर सो दैट एवरीबॉडी विल शेयर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड वी कैन सी और लाइक एवरीबॉडी. कितने ग्रुप बनाऊं मैं, इसलिए मेरा नाम हो गया ग्रुप बाज. लेकिन ये करके पावर पढ़ रहे हैं क्योंकि हम, तो इंस्टीट्यूट का जो पावर स्ट्रक्चर है वो ब्रीच हो जाएगा. लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की पावर को देखते हुए, स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए कर देते हैं. क्यों? थैंक यू सर. आप सब लोग बोलो तो मैं कुछ करूं ना, तो मुझे क्या जरूरत है? बोलो. आप सब लोगों के नंबर तो आपस में आपके पास है ही. किसी के नंबर नहीं है किसी के पास भी है? इंदु सर, आई हैव सरस्वती नंबर के राजल कोमल. और क्या रह गया है फिर? तुम ही बना दो. तो ये ठेका हम इंदु को दे रहे हैं. इंदु भूपति रह गया सर. हाँ चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ सर. We can share the link of the group through which everyone can come. अच्छा अच्छा, this is not a bad idea. What do you मतलब क्या करना है मुझे? सर, I'll make the group on Telegram and I'll make you the admin. ठीक है. Then we can share the link. Okay, और उसमें ब्रिजबाला जी को भी डाल देना. सर मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप उनको लिंक शेयर कर देना. मैं डाल दूंगा, मैं एडमिन हूँ ना. हाँ सर, आप हाँ बना दूँगा. व्हाट्सएप और टेलीग्राम में तो कोई फर्क नहीं किरण, एक ही बात है वो तो. ठीक है.
सर, वैसे मैं ज्यादा यूजर फ्रेंडली व्हाट्सएप को मानती हूँ। सर टेलीग्राम पे ना ज्यादा, ये लेकिन सही बात कह रही हैं, हैवी फाइल टेलीग्राम पे जा सकती है, इस पे नहीं जा सकती। ठीक है सर, देन टेलीग्राम इज बेटर, स्टोरेज भी है उसमें, टेलीग्राम का लिमिटलेस एक्सेस है। व्हाट्सएप पे 20 MB है सर एक बार में, यू कांट शेयर मोर देन। क्या कह रही हो सर? व्हाट्सएप पे सर वन टाइम में 20 MB शेयर कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे तो सर पूरी पूरी मूवीज चल जाती और GB। हाँ सही बात है, तो देखते हैं उस पे करिए, ठीक है ना। तो डाउज एंड ह्यूजेस ने बोला भाई पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, जो भी है पावर है तो आप, लेकिन पॉइंट ये है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है पावर का वो कॉन्सेंट्रेट करता है स्टेट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, इसीलिए यू कैन से दैट, लिखो आप चलो अगले पैराग्राफ में, सोशियोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट। दैट इज राइट एंड जस्ट। That is right and just. And therefore obeyed on that basis. Therefore, if members of Indian society accept that Parliament has the right to make certain decisions, and they regard those decisions as lawful, comma, parliamentary power will be defined as legitimate authority. Second, coercion का मतलब होता है कोई काम जबरदस्ती किया जाना, coercion, बिना आपकी मंजूरी के, है ना जी। तो coercion में हम क्या कह सकते हैं, coercion COERCION, coercive power होता है एक शब्द, is that form of power which is not regarded as legitimate, which is not regarded as legitimate by those subject to it. For example, according to some Naga groups,
activities of India in Nagaland? May be regarded as coercion. May be regarded as coercion. But both forms of power ultimately rely on absolute force. Rely on physical force, I should say. And those enforcing the law, जो भी law को enforce कर रहे हैं, they are able to resort to physical force whether their power is seen as legitimate or not. ठीक है जी. Whether their power is seen as legitimate or not. Change the paragraph. Max Weber. हमने करा था ये. Max Weber का power and type of authority हम सब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नजर मार देते हैं. क्यों जी? Weber defined power as the chance of a man. Man का मतलब है woman भी हो सकता है. The chance of a man slash एक man man, फिर man लिख दो, man man. To realize their own will in a communal action. Communal, communal, own will in a communal action. Even against the resistance of others. Who are participating in the action? That means ability to get your own way even when others are opposed to your wishes. Even when others are opposed to your wishes.
समझ आया जी, बताइए। हाँ यस सर, इवन व्हेन द पीपल ऑपोज स्टिल एन इंडिविजुअल इफ एबल टू रियलाइज हिज ओन विल देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज पावर। सही बात। कोई आपके कोई पॉइंट इसमें?